जारवस कैंपस मैं हूं जील ठाकुर और आज और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास टेंथ के सोशल साइंस का चैप्टर वन हेरिटेज ऑफ इंडिया आगे की वीडियो में हमने बात की थी इंडिया लैंड एंड पीपल की और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन

Six, seven, and nine describe the following duties of preservation of our cultural heritage. They are given below. अभी जो articles में जो कुछ चीजें दी गई हैं कि heritage को preserve करने के लिए हम उस बारे में discuss करेंगे. To understand the importance of our harmonious culture, prosperity, and to preserve it, हमें हमारे culture को लेके हर चीज समझनी है कि हमारा culture कैसा है, उसकी prosperity क्या है और हम उसे preserve कैसे करेंगे. मेंटेन द फॉरेस्ट टैंक रिवर पॉन्ड एंड द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विद मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू शो कम्पेशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स इसमें यह भी कहा गया है कि हमें फॉरेस्ट रिवर एनिमल बर्ड्स हर चीज़ को बचाना है उन्हें हार्म नहीं करना है और हमें हर एक लिविंग क्रिएचर के लिए कंपेशन भी दिखाना है

ड्यूटी तो हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है इसे बचाना है इसे पोल्यूट नहीं करना है जो कि आज हम बहुत ज्यादा ये चीजें करने लगे हैं पर हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हमें ये चीजें नहीं करनी है ये हमारी एज ह्यूमन इंडियन ये ड्यूटी बनती है द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नेचर हैज डोनेटेड टू इंडिया नेचर ने हमारे इंडिया को काफी सारी चीजें दी है इंडिया अचीव इन opportunities अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द for फॉर development डेवलपमेंट to, टू टू इंडिया पेक्यूलर नेचुरल स्ट्रक्चर हमारे पास नेचर की इतनी सारी चीजें हैं जिसके वजह से हमें डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौके मिले हैं और आगे में मिलते रहेंगे इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल इकोनॉमिकल पोलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड ओवर सेंचुरीज और इसी वजह से हमारे हेरीटेज की वजह से ही सेंचुरीज से इंडियंस का हर तरीके से चाहे वो सोशल हो इकोनॉमिकली हो हर तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी होता रहेगा तो हमने अब तक के वीडियोस में देखा कि हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ अब आपको गूगल फॉर्म लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और पूरे चैप्टर की अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे उन सबको मिलाकर क्विज होगी उसमें वो क्विज अटेम्प्ट करना है और साथ ही जार्विस कैंपस को सब्सक्राइब करना है